सबको शेर गाल में ले और क्या वह कहते हैं तो आज जमीन मैं माका रजिस्ट्री करा दियो माका फट्टो बना दियो पार्टनर गाल लिया कोई पर लाख ले लिया कोई पर दो लाख ले लिया मैदान मिलना ना क्या माको तो मिला रो है कि आ जाए तो ठीक है नहीं तो सबका बारी बारी पैसे आए ना तो डूब जाए नहीं तो बीस गुणा सबका बताओ आ कर करके मैं कर दिया माना हेरेसमेंट कर दिया माँ की नींदा खराब कर दिया संसकड़ा की हालत है पूरा परिवार पांच महीने से दुखी है मेरे अकेले का नहीं जो भी उस बाउंड्री में गिर रहे हैं उनका या गिरी सब बच्चे पालते हैं या गिरी गिरी किए हाँ एक दो बाकी और आ रही है पूरी जानकारी देखिए हमारे डीडवाना के बस स्टैंड के पास जो पेट्रोल पंप बना हुआ है इसकी बेशकीमती जमीन जो नगर पालिका डीडवाना की है उसमें डीडवाना के कुछ राजनेता डीडवाना के नगर पालिका के अधिकारी और कुछ भूमाफिया षड्यंत्र करके इस जमीन को हड़पना चाहते हैं और इस जमीन को पट्टा बनाने के लिए एक आवेदन किया जबकि इस जमीन पर पिछले 65-60 साल से पेट्रोल पंप के लोग किराएदार बैठे हैं कम से कम 20 से 25 दुकानदार जो 35 से लेकर 50 वर्ष से जमीन पर किराएदार बैठे हैं जो नगर पालिका को किराए देते हैं इसके बाद जो पेट्रोल पंप की भूमि है उनको हाईकोर्ट से इस बात का लिए स्टे मिला हुआ और कम से कम 5 और 7 दुकानदारों को नगर पालिका ने अभी कुछ समय पूर्व पट्टा जारी किया अब ये सब लोग अधिकारी और भूमाफिया मिलकर इस जमीन पर फर्जी पट्टा और पट्टे के ऊपर पट्टा बनाकर इस जमीन को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं इस क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यवसायियों के साथ आज हमने आकर इस मामले में आपत्ति दर्ज कराई क्योंकि एक अखबार के माध्यम से इन्होंने लोक आपत्ति सूचना पत्र जारी किया था जो भी कहीं सिक्कर के किसी अखबार में जारी कर दिया और लोगों को जब आज पता चला इन दुकानदारों को तो हम सब लोग मिलकर ये आपत्ति दर्ज कराने आए हैं और आपके माध्यम से भी ये निवेदन करने आए हैं कि इस तरह की सरकारी जमीन है जो नगर पालिका की जमीन है इसमें यहाँ पर जो अधिकारी लोग बैठे हैं और जिनको राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है ये सब लोग डीडवाना की सरकारी जमीनों को खुर्द बुर्द करने का काम करने में लगे हुए हैं और इनको पता है कि हमारा शासन अब नहीं रहने वाला और अंतिम समय में जाते जाते ये इस तरह के काम कर रहे हैं और सरकारी जमीनों को हड़पने का काम करें हम डीडवाना के सभी व्यापारी बंधु और डीडवाना के जितने भी लोग हैं इनका जवाब देंगे और किसी भी तरह की कार्रवाई की चेतावनी के लिए अधिकारी को हम कह के हैं कि अगर आपने किसी तरह का खराब काम किया या इलीगल काम किया या राजनेताओं के दबाव में काम किया या पट्टे बना दिए तो आपके खिलाफ भी आंदोलन होगा आपको भी जेल जाना पड़ेगा हम एससीडी से भी इसकी जांच की मांग करेंगे राज्य सरकार को भी लिखेंगे और हम इसके लिए आंदोलन भी करेंगे अगर कल के दिन में इसकी आपत्ति सूचना हमारी लेकर उस पट्टे को बनाने की प्रक्रिया को खारिज नहीं किया तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। वंदे मातरम।